शुरू करें ओके okay, आप सबको नमस्ते सो हम ओवरऑल सिचुएशन हैदराबाद सिटी का फोर्थ और अभी तक जो जो भी हमने काम किया है उसके बारे में आपको uh, दो मिनट के लिए बताना चाहते हैं सो so, अभी आप सबको मालूम है कि बहुत सारे सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड अमित शाह जी एंड ऑल दिस लॉट ऑफ लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव विजिटेड हैदराबाद एंड हमारा uh, सिटी पुलिस का जो भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया एंड uh, किसी को सिक्योरिटी और उसकी वजह से कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ अभी और फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स हैं तो वो भी हमारा जो भी लीडर्स बाहर से आए हैं वो बंदोबस्त भी खत्म हो जाएगा अभी तक हैदराबाद सिटी में ऑलमोस्ट सिक्सटी थ्री करोड़ रुपीस के कैश लेकर और प्रेशियस मेटल सीज हुए हैं एंड so अभी तक हम दो हज़ार चार सौ वारंट्स एन बी एग्जीक्यूट किए हैं पूरे एन डी पी एस एक्ट केसेज में बॉडली ऑफेंसेज केसेस में अभी हमारे पास कोई भी पेंडिंग एन बी डब्ल्यू नहीं है अब जो हमारे पास अब कोई भी पेंडिंग एन बी नहीं है बॉडली ऑफेंस केसेस में आर्म्स डिपॉजिट जो भी हमारे पास आर्म लाइसेंसी हैं ऑलमोस्ट ऑल दी वेपन् वी हैव डिपोजिटेड इन दी लोकल दी शॉप्स एंड अपना ये जो आर्मरीज है ना उसके अंदर वेपन्स डिपॉजिट हो गए हैं राउडी शीटर्स एवरी डे वी हैव सिक्सटीन हंड्रेड राउडी शीटर्स हैदराबाद सिटी सेवन जोन्स हैज़ गॉट सिक्सटीन हंड्रेड राउडी शीटर्स एवरी डे वी आर चेकिंग अराउंड सिक्स हंड्रेड हर रोज रात को 600 हम राउडी शीटर्स को चेक कर रहे हैं और जो भी लोकल पुलिस के राउडी शीटर चेकिंग में वो नहीं मिलते तो नेक्स्ट डे टास्क फोर्स वाले उनको ढूंढते हैं ऑल दी राउडी शीटर्स वी आर एबल टू कीप अ टैब ऑन देम एंड अभी तक जो कंट्रोल है आई थिंक डोंट थिंक दे विल बी एबल टू क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस इलेक्शन पीरियड अभी हम 72 टू 48 एट आवर्स के मध्य में है आज 45 मिनट के बाद वी विल हैव 48 एट आवर्स बिफोर दी पोलिंग कंक्लूड्स तो ये दो दिन उनतीस और 30 तारीख हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बट हमारा पूरा पुलिस फोर्स एकदम गियर्ड अप है दैट वी विल बी एबल टू हेल्प एंड हैव अ रियल पीसफुल इलेक्शंस ओके तो व्हीकल चेकिंग अभी तक जब से 9 तारीख से लेके अब तक ऑलमोस्ट ढाई लाख टू एंड हाफ ढाई लाख व्हीकल्स वी आर चेकिंग एवरी अमंग दिस इन दिस टेन डेज टाइम और ढाई लाख में से चेक करने के बाद एवरी डे वी आर सीजिंग व्हीकल्स विदाउट प्रॉपर नंबर प्लेट्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हर रोज बीस से लेकर पचास व्हीकल हम सीज कर रहे हैं ऑन द डे ऑफ दी पोल अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आर सी बुक नहीं है आपकी व्हीकल पर नंबर ठीक से नहीं लिखा हुआ तो वो व्हीकल पक्का सीज़ हो जाएगी आपको व्हीकल वो इलेक्शन के बाद ही मिलेगी तो आप अपना व्हीकल जब भी चला रहे हैं वोट देने आते हैं तो व्हीकल का डॉक्यूमेंट्स अपना ड्राइविंग लाइसेंस आर बुक हेलमेट ये सब पक्का पूरा रखिए मेरा एक और आप सबसे आ, रिक्वेस्ट है आप सबसे मारोज़ा है कि अब इतना पुलिस वाले मेहनत किए अब पुलिस वाले जो एस एच ओ है डी सी पी है एडिशनल डी सी पी है ए सी पी है इतना मेहनत किए कि परसकून माहौल रहे सिटी में सो so वो इतना परसकून माहौल अगर हम बना पाए हाँ तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आके वोट दीजिए जो डिस्ट्रिक्ट्स में देखते हैं तेलंगाना में उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहता है एंड uh, है, हैदराबाद सिटी में 40 से 50 परसेंट के बीच में रहता है तो so, ये वोटिंग परसेंटेज आप भी सपोज पुलिस अपना ड्यूटी ठीक से कर रही है ईमानदारी से कर रही है तो आप भी ईमानदारी से अपना ड्यूटी कीजिए कि प्लीज़ एंड वोट ओके एवरी डे वी आर हैविंग ड्रंक ड्राइविंग का अभी पूरा चलता है सिलसिला देर आर थर्टी वन प्लेसिज वेयर वी डू ड्रंक ड्राइविंग चेकिंग्स और अभी ये पुराने दस पिछले दस दिन के अंदर ऑलमोस्ट सात हजार ड्रंक ड्राइविंग केसेस वी हैव बीन एबल टू रजिस्टर तो सात हज़ार जो भी शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं तो वो भी हम रजिस्टर कर पाए अब आप पूछेंगे कि फोर्स के बारे में कि हमारे पास सात जोन है और हमारे को चालीस कंपनी सी ए, की मिली हैं हमारे पास जो भी रेवेन्यू रूट्स हैं वो सत्रह सौ के करीब रेवेन्यू रूट्स हैं और उसके बाद वो सत्रह सौ रेवेन्यू रूट्स के अंदर फोर नाइन वन फाइव सो सेवनटीन हंड्रेड पोलिंग लोकेशन आर देयर तो 1700 पोलिंग लोकेशंस के अंदर 4915 नाइन वन फाइव आदि टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस एंड सेवनटीन पोलिंग लोकेशन के अंदर हमारे को सिक्स क्रिटिकल फिर से बोलते हैं 1700 पोलिंग लोकेशंस 1700 पोलिंग लोकेशंस के अंदर 666 आर लोकेशंस विच आर क्लासिफाइड एज क्रिटिकल ये वाली पोलिंग लोकेशंस में आधा सेक्शन सीएपीएफ होगा और 310 जो भी पोलिंग लोकेशन है उसमें एक्स्ट्रा फोर्स दिया गया है वो 100 मीटर्स और 200 हंड्रेड मीटर्स लाइन को देखने का हम आप सबसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि परसकून माहौल रखने के लिए वहाँ पर आदमी इकट्ठा नहीं हो अगर आप इकट्ठा होएंगे वहाँ पर तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे आपको पोलिंग के बाद ही छोड़ेंगे तो आप अपना वोट दीजिए और अपने घर को जाइए हाँ अपने माँ बाप भाई बहन सब मिलके कुछ भी बच्चा बना के घर में खाना खाएं मज़े करें अपना वोट देके अपने घर को वापस आ जाएं तो उधर कटा होएगा तो हमारा हर पोलिंग स्टेशन में क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में और बाकी पोलिंग स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है पूरे जो भी लोग हैं ना अपने ऑब्जर्वर आए हुए हैं ट्वेंटी वन दे विल बी एबल टू सी ईच एंड एवरी थिंग आप पोलिंग के बाहर लोग इकट्ठा हो रहे हैं या कुछ भी एक्शन हो रहा है तो आप एक ये आप इससे ये भी करते हैं कि पुलिस वाला है ना कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर उसके आंखों के सामने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है कि जैसे किसी को डरा रहा है किसी को धमका रहा है कोई बदतमीजी से बात कर रहा है अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा करते हैं तुम्हारे सामने तो इमीडिएटली उस आदमी को अरेस्ट करके ले जाना अगर आप नहीं पकड़ पा रहे आपने कोशिश नहीं किया तो आपके ऊपर पक्का एक्शन होगा ये आप सबको मैं बोलता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को कि कोई भी पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब मत करो अगर आप पोलिंग का पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करते हैं तो पब्लिक डर के वोट नहीं देने आएगी आप ऐसा मत कीजिए आप प्यार मोहब्बत से बोलिए डायल हंड्रेड कॉल है और हमारे दो दो नंबर्स हैं पुलिस के उसके बाद आपके पास जो भी पार्टीज हैं उनके पास इलेक्शन uh, ऑब्जर्वर्स के नंबर हैं सी ओ के नंबर हैं डी ओ के नंबर हैं सबके नंबर हैं आप आपको जो भी तकलीफ है आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए आप प्यार से पेश आए जो आपको भी कुछ भी गरीबांश है आप गवर्नमेंट सर्वेंट को बोलिए पुलिस वाले को बोलें एसएचओ को बोलें एसीपी को बोलें वहां पर जो भी बंदोबस्त है आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए उससे क्या होता है कि थोड़ा शर पैदा होने से थोड़ा गड़बड़ होने से पब्लिक डरती है वोट देने के लिए तो आप सबसे भी यही अल्तज़ा है कि हम आपकी सेवा में हाजिर हैं और हम आपको पक्का ऐसा देंगे कि ऐसा नहीं कि आपका बात सुन के अनसुना कर देंगे इमीजिएटली दे एक्शन फ्रॉम द पुलिस साइड आई एश्योर यू दैट एंड दे पक्का एक्शन ऐसा नहीं कि चलो छोड़ दिया ये कर दिया वो नहीं जिसने भी ऐसा और कानून को अपने हाथ में लिया है दैट मैन विल डेफिनेटली बी रेस्ट्रेन फ्रॉम मूविंग ड्यूरिंग द इलेक्शनिंग पीरियड जो भी आदमी ने कानून तोड़ा है उसको हम आपको सबको जानते हैं कि मैं हर चीज किताब के हिसाब से चलता हूँ वो मैं नहीं छोड़ता ना पुलिस वाले को छोड़ूंगा अगर वो इलेक्शन में उसने ठीक से काम नहीं किया हिम्मत से काम नहीं लिया ना मैं वो कुछ जिसने भी ये गलती की उसको भी नहीं छोड़ूंगा तो हमारा रिक्वेस्ट है कि काहे को अच्छा माहौल है अच्छे माहौल को बनाए एंड प्ले दी गेम इन ऑनली स्पोर्टिंग स्पिरिट अब स्पोर्टिंग स्पिरिट से खेले अब जो है वो जो पब्लिक कर रही है उनको करने दीजिए कुछ भी ऐसा शर पैदा गुस्सा ये सब आप छोड़ दें उनतीस तीस तारीख को अभी इलेक्शनिंग का साइलेंस पीरियड भी एक आधे घंटे के बाद शुरू हो रहा है जस्ट गो एज़ पर दी रूल्स माई रिक्वेस्ट इज टू ऑल दी पोलिटिकल पार्टीज दी रिक्वेस्ट इज दिस अब कुछ वो ये ये बांटना वो बांटना वो सब भूल जाएं आप पकड़े जाएंगे पूरा पुलिस फोर्स उसमें है कुछ भी ऐसा गड़बड़ करने का कोशिश किया ना वो अननेसेसरी केस होता है तो आप इन सब चीज़ों से बचिए और uh, 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 दूसरा सेंसिटिव ये पूछ लिया आपने हाँ आपको ये कुछ कुछ कॉन्स्टुंसीज के बारे में वो सेंसिटिव है नहीं सेंसिटिव है पर हमने तो अपने हिसाब से सब कॉन्स्टिटुंसीज़ को बराबर ही समझा है एंड जहाँ जहाँ पर भी हमारा एस एच ओज या ए सी पी या जो भी पोलिंग स्टाफ है उन्होंने जो जो भी हमारे को चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है उसके हिसाब से सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स को क्रिटिकल मान के हम चले हैं लोकेशन में तो आई डोंट थिंक अभी तक जो भी हमारा हिम्मत है कि सब अच्छा ही होगा एंड हमने मेहनत की हम क्या तरह भगवान से इतनी प्रार्थना करते हैं कि जो हम सब पुलिस वालों ने मिलकर मेहनत करी है या रेवेन्यू वाला स्टाफ ने मेहनत की है इलेक्शन ऑफिसर के स्टाफ ने मेहनत की है वो मेहनत वो हमारा भगवान या जो भी आप मानते हैं उसको uh, सिला अच्छा मिलेगा एंड भगवान से प्रार्थना है एंड रिक्वेस्ट टू ऑल दी पब्लिक सिटीजन्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज की हैदराबाद का अच्छा नाम करें अच्छा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं एंड लेट अस हैव अ वेरी फ्री फेयर एंड अ पंडूगा का इलेक्शंस ओके सो आप सबका मेरी बात सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद और कुछ क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से अब जो भी क्वेश्चन हमारे को अभी आ रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर किए हैं एंड उस दिन बंदोबस्त भी पूरा रहेगा भी पिकेट्स विल बी देयर मोबाइल पार्टीज विल बी देयर क्यू आर टीज विल बी देर पुलिस स्टेशन का भी पांच पांच मोबाइल होगा रूट का भी मोबाइल 370 सेवेंटी रूट्स का भी 370 सेवेंटी मोबाइल्स होगा विल सी पुलिस ऑल ओवर दैट पुलिस यू सी ऑल ओवर एंड ईच वन इज रेडी टू एक्ट इनकेस द समथिंग गोज रॉन्ग आर ओनली आई डोंट नो डायरेक्शन फ्रॉम दी टॉप आर कि ऊपर से क्या हमारे को हिदायत है कि आपके सामने कुछ भी ऑफेंस होगा आप चुप नहीं बैठ सकते आपको एक्शन लेना पड़ेगा आप ऐसा चुप नहीं बैठ सकते इट इज होल्डिंग ट्रू फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर ईच होम गार्ड हु इज देयर ऑन द फील्ड अपना पूरा जितना दम है उससे कुछ भी ऑफेंस होने से रोकना एंड कोई भी चीज जो पीस को डिस्टर्ब करती है वो नहीं अलाउ करना ठीक है आप सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया अभी तक आपने हम सबको बहुत कॉपरेशन uh, दिया है पुलिस वालों को इवन एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ कोऑपरेटेड विद अस इवन द राउडी शीटर्स हैव कोऑपरेटेड विद अस एवरी बडी हैज कोऑपरेटेड सो दिस फ्यू अभी 48 घंटे 48 एट आवर्स आर लेफ्ट सो प्लीज़ हेल्प अस प्लीज़ कोऑपरेट विद अस प्लीज़ कम एंड वोट प्लीज़ मेंटेन अ पीसफुल एटमोस्फियर लेटर्स हैव अ फेयर एंड अ फ्री इलेक्शन सो देट एवरीबडी थिंग्स गुड अबाउट हैदराबाद सिटी तो पीपल विल कमेंट गो ऑफिसर्स कमेंट गो लोग आते हैं चले जाते हैं ऑफिसर आएगा चला जाएगा दो दिन एक महीने के लिए सी पी लगेगा उसके बाद बाहर निकल जाएगा बट वो जो इलेक्शन ऑब्जर्वर आए हैं अलग अलग स्टेट से वो लेट दैम कैरी वेरी फॉन्ड मेमरीज कि पुलिस बड़ा सख्ता है वो मेमरी नहीं चाहिए हमको ये चाहिए मेमोरी कि पीपल हु कम हियर उनको ये मेमोरी साथ लेके जाना कि पीपल ऑफ़ तेलंगाना स्टेट पीपल ऑफ हैदराबाद सिटी आर वेरी पीस लविंग ये नहीं मेमोरी लेके जाना कि पुलिस बड़ा गट्टा ये वो अरे क्या है वो आता जाता रहता है पब्लिक है जो रहती है यहाँ पर उनको ऐसा लगना कि बहुत अच्छी पब्लिक है बहुत पीसफुल पब्लिक है बहुत फेयर है पब्लिक एंड बहुत दिलेर है पब्लिक की ऐसा डरती नहीं है वोट करने आना है डेमोक्रेसी के लिए बाहर आके वोट करती है ये मैसेज जाना पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी फेयर दे डोंट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ वायलेंस दे वेरी वेल बिहेव्ड सो दैट इज दी काइंड ऑफ मैसेज इफ इट गोस अब हमारा क्या है रहते हैं एक महीने चले जाते हैं बट ये मैसेज जरूर जाए कि हैदराबाद सिटी की पब्लिक हैदराबाद सिटी की आवाम एकदम पीस लविंग